अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ क्लाउड स्टोरेज के बारे में। दरअसल में क्लाउड स्टोरेज होता क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज अगर हम लोगों ने अपने डेटा को सेव रखना हो और किसी से छुपाना हो तो हम लोग क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड स्टोरेज होता क्या? ये एक सर्वर है जो कि हमारे डेटा को सेव रखता है और हम दोबारा उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल ड्राइव को सर्च कर लिया। गूगल ड्राइव को सर्च करने के बाद यहाँ पर हम लोगों के पास आएगा गूगल का एक एड्रेस आएगा, क्लाउड स्टोरेज फॉर वर्क एंड होम। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अपना जीमेल अकाउंट बनाया तो आप लोग उसी से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं गो टू ड्राइव तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को इसके टेक्निक्स भी बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हम लोग लॉगिन हो सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स अपलोड किए हुए हैं। तो ये मैंने अपने फाइल्स अपलोड किए हुए, ये अपलोड किस तरह से होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, डाउनलोड किस तरह से होता है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अगर किसी के साथ लिंक शेयर करना हो तो वो किस तरह से होता है, इस सब बातों पर हम लोग इन सब बातों पर तफसील से बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम लोगों ने अपना डाटा सेव रखना हो तो हम लोगों को गूगल ड्राइव यूज़ करना चाहिए। क्यों? अगर हम लोगों के पास हमारे मोबाइल में या एंड्रॉयड में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम लोगों का डाटा रहता है तो हो सकता है कंप्यूटर, मोबाइल या यूएसबी या एसडी कार्ड क्रैश हो जाए। अगर ये क्रैश हो जाए, ख़राब हो जाए तो हम लोग इससे डेटा को रिकवर नहीं कर सकते, हम लोगों का इम्पोर्टेंट डेटा भी हो सकता है तो हम लोग उसे दोबारा से रिकवर नहीं कर पाते हैं। और इस सिलसिले में हम लोगों को गूगल ड्राइव का सारा लेना चाहिए और इसे डेटा सेव करना चाहिए इसमें। तो दोस्तों अगर एक और बात बताऊँ, गूगल ड्राइव में अगर या क्लाउड स्टोरेज में डेटा सेव कर लेते हैं तो बाद में हम लोग जब एक्सेस कर लेते हैं उस अपने डेटा को रिसीव कर सकते हैं। अगर गूगल का एक ड्राइव या सर्वर क्रैश हो जाए, ख़राब हो जाए तो उन लोगों ने हम लोगों डेटा को डिवाइड किया हुआ है, बहुत सारे सर्वर में रखे हुए हैं, अगर क्रैश भी हो जाए तो फिर भी हम लोगों को अपना डेटा मिल सकता है, हम लोग उसे रिकवर कर सकते हैं। तो मज़ीद बात करते हैं हम लोगों का डेटा क्या सेव रहता है। जी हाँ, सेव रहता है, इस पर सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा। जब आपका अकाउंट होगा तो आप इसमें जा सकते हैं। तो इससे मज़ीद आगे बढ़ने के से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, अगर हम लोगों ने अपलोड करना हो तो किस तरह से करते हैं। या न्यू है, न्यू पर क्लिक कर देते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल्स हैं, फाइल अपलोड और फोल्डर अपलोड आप दोनों कर सकते हैं। तो मैं फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ इमेजेस हैं तो मैं कोई भी इमेज अभी अपलोड कर लेता हूँ क्लाउड का, इसको ओपन कर दिया और अभी डाउनलोड अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा इमेज अपलोड हो चुका है। और अगर इसी को डाउनलोड करना हो तो किस तरह से करेंगे, डाउनलोड भी आसान है, राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है डाउनलोड, इसे वापस डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी के साथ हम लोग लिंक शेयर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये लिंक शेयर करना है ताकि कोई और एक्सेस कर सके, इस पर भी हम लोगों के पास सिक्योरिटी लगाया हुआ है
कि कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एनी वन विथ द लिंक, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक के साथ क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट यानी जो बंदा मेरे साथ ऐड हो सिर्फ वही देख सकता है, या कोई भी देख सकता है, या किसी और को हम लोगों ने अलाउ करना है तो फिर रिस्ट्रिक्ट को हटा कर एनी वन विथ लिंक कर लेते हैं। इससे कोई बंदा तो लिंक देख सकता है, लिंक हम सेंड कर सकते हैं लेकिन वो देख नहीं पाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन है हम लोगों के व्यूअर, यहाँ पर उसको ऑप्शन में देता है इस लिंक को कि ये बंदा सिर्फ व्यू कर सकता है, सिर्फ देख सकता है, तो वो सिर्फ देख पाएगा और इसमें कुछ एडिट या नहीं कर सकता। अगर मैं लिंक में कमेंटर दे दो तो वो सिर्फ कमेंट कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। देख भी सकता है, कमेंट भी कर सकता है लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर एडिटर का ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो वो बंदा एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं जो मेरे हमारे डॉक्यूमेंट्स हो उसमें एडिटिंग फिर हो सकता है। तो ये ऑप्शन हम लोगों ने बहुत केयरफुली इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इसके साथ एहतियात करना पड़ेगा और हमारा डेटा सेव रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।